शराब कांड चौपकारी विभाग का वड्डा एक्शन, तीन एक्साइज इंस्पैक्टर्स किए सस्पेंड, सुनाम पात्रा दिड़बा सर्कल के अधिकारियों से की कार्रवाई। शराब कांड पुलिस अधिकारियों से भी एक्शन, छतराणा और ठरुआ पुलिस चौकियों के इंचार्जों को किया सस्पेंड, इसे इलाके बनाई गई थी नकली शराब। मास्टरमाइंड हरमनप्रीत ने जेल च बनाई सी सस्ती शराब वाला प्लान, साथी कैदी गुलाल गिफ्टी नाल रल के कमाना चाहता सी पैसे, दोहा सने पुलिस ने हुण तक 8 मुलजमान कीता गिरफ्तार। ईडी की कस्टडी तो केजरीवाल का पहला आदेश, जल मंत्री आतिशी नू लिखी नोट राही दिते निर्देश, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आतिशी। गिरफ्तारी खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, फिलहाल नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई तो इनकार, 28 तक ईडी की हिरासत ने केजरीवाल। न्यूज 18 से बोले सीएम भगवंत मान, जल्द बाहर आने अरविंद केजरीवाल, जेल तो ही चलाएंगे सरकार, ईडी ते लाया भाजपा के इशारे से कार्रवाई करने का इल्जाम। केजरीवाल की गिरफ्तारी खिलाफ आप दे विरोध का प्रदर्शन जारी, आज पूरी दिल्ली च किए जा रहे मुजहरे, केजरीवाल फर्जी केस गिरफ्तार करने का लगाया इल्जाम। लोकसभा चोणों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी, वाराणसी तो पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय ने मैदान च उतारिया, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से सबका सीएम दिग्विजय सिंह से खेडिया था, पर हुण तक पंजाब च किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं। अज जारी हो सकती है बीजेपी की पंजवी लिस्ट, कल सीईसी की बैठक, यूपी समेत 4 सूबे के उम्मीदवार से होया मंथन, यूपी च कई वड्डे दिग्गजा की कट सकती है टिकट, वरुण गांधी की सीट से भी निगाह। पटियाला के नवे बस स्टैंड नेड़े पलटी पीआरटीसी की बस, कई सवारियों नूं लगियां सट्टां, जानी नुकसान तो रहा बचा। श्री आनंदपुर साहब अज तो होला मोहल्ले का आगाज, श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता नाल शुरुआत, खालसे की धरती से वड्डी गिणती च पहुंच रही है संगत। लद्दाख के कारगिल च लगातार भारी बर्फबारी, कई थाई सड़कां हुईयां बंद, बर्फबारी कारण जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च फसे लोग, हवाई सेना ने 300 तो वध लोगों नूं कीता रेस्क्यू। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है, आम आदमी पार्टी आज मुड़ तो हल्ला बोलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, आज पूरी दिल्ली च मुजाहरे किए जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल फर्जी केस गिरफ्तार का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी के विचाले, वक् वक् जो ने प्रोग्राम उलीके गए ने, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार आम आदमी पार्टी का जारी है। इस विचाले कल ते बीते परसों असी वेख्या सीगा कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वलों वॉलंटियर्स के वलों किंच जो है धरना प्रदर्शन दिता जा रहा सीगा, नारेबाजी की जा रही थी, कई मंत्री उत्थे मौजूद सीगे, पंजाब के भी कई मंत्री पहुंचे सीगे, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम ने वह भी उत्थे पहुंचे सीगे, उन्हां दी अगवाई च कल धरना प्रदर्शन दिता गया सीगा, नारेबाजी की गई सी, इस विचाले संबोधन भी किया गया उन्होंने वालों, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की सोच नूं गिरफ्तार नहीं कर सकते, केजरीवाल तो गिरफ्तार कर सकते हो पर केजरीवाल की सोच नूं गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो उपले तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। इस विचाले जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वालों हल्ला बोल लगातार जारी है, मैं भी केजरीवाल का पोस्टर लगे हुआ तुहानूं विखाई दे रहा है, जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के वालों, इस विचाले जो दिल्ली के विधानसभा हल्के ने उसे आज कैंडल मार्च भी कढ़िया जाना है, तो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो ने वॉलंटियर्स मंत्री लगातार इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, इस विचाले इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो ईडी है बीजेपी की सियासी टीम बन के पूरी कार्रवाई कर रही है, 21 मार्च लंघी 21 मार्च को आ पूरी गिरफ्तारी हुई सी, ईडी जो 7 बजे समन लेके पहुंची सी, सवेर दियां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, इस दे विचाले नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर लग्या होया है मैं भी केजरीवाल ते नारेबाजी की जा रही है, आ सवेर दियां तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, इस विचाले महिला जो वर्कर्स ने वॉलंटियर्स ने उन्होंने वालों धरना प्रदर्शन दिता जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पुलिस की तस्वीरों च वेखी जा सकती है, इस विचाले कल भी इहो जिहियां तस्वीरां वेखण नूं मिलियां सीगियां जो कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स नूं मंत्रियों नूं डिटेन पुलिस के वालों किया गया सी, ताज़ा तस्वीरां सवेर दियां ने महिला वॉलंटियर्स आम आदमी पार्टी दियां वेखियां जा सकदियां ने, जो महिला कॉन्सटेबल ने वेखियां जा रहे हैं उन्होंने वालों उन्होंने उठाने की उत्थों कोशिश की जा रही है, पर इसे विचाले जो धरना प्रदर्शन है नारेबाजी है आम आदमी पार्टी वर्कर्स के वालों लगातार जारी।
नारे लगाए जा रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो। इसके विचाले आम आदमी पार्टी के लीडर्स के वलों, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वलों लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो लखां केजरीवाल खड़े होंगे। तस्वीर दस्वीर ने, दिल्ली दस्वीर ने महिला वॉलंटियर्स, महिला आम आदमी पार्टी के वर्कर्स तस्वीर नजर आ रहे हैं। जबरदस्त नारेबाजी इन्हों महिला वॉलंटियर्स के वलों की जा रही ने, नारेबाजी की जा रही है। इस विचाले मैं भी केजरीवाल आज जो है पोस्टर भी लगे है तुम विखाई दे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सरासर बेईमानी है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम करे, ये नहीं दिख रहा क्या मोदी जी को? मोदी जी जो लोकतंत्र की हत्या करने पे उतरे हुए हैं, उन्हें उठाकर बंद कर दिया बिना किसी बात के, ये सभी को पता है। ये हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी को बिना कसूर, बिना कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। मतलब कोई यहाँ पे लोकतंत्र रह ही नहीं गया कि एक सिटिंग सीएम को उठा के, जिन्होंने दिल्ली के लिए इतने काम किए, महिलाओं के लिए इतने काम किए, एक महिला होते हुए मैं उन सब पूरे दिल्ली की महिलाओं की तरफ से मेरी ये मांग है कि अरविंद जी को छोड़ा जाए। कोई उन पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, कोई उनके घर से कोई तलाशी में, कोई उनके घर से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि वो गिल्टी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटर में एक मोदी जी बैठे हैं, उनको इस 2024 के इलेक्शन से अपना खतरा है कि यहाँ पे अरविंद जी की वजह से, यहाँ पे अरविंद जी के होते हुए यहाँ पे सीट्स आ जाएंगी उनकी दिल्ली में, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना राह का सबसे बड़ा कांटा, जिसको वो मानते हैं अरविंद केजरीवाल, जिससे वो डरते हैं, उठा के उनको जेल में डाल दिया। तो बस हमारी यही मांग है कि अरविंद, तो महिला वॉलंटियर्स दे वलों कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दे वलों दिल्ली दे लई कई काम किए गए ने, महिलाओं दे लई कई काम किए ने, ते छेती छेती रिहाई की मांग की जा रही है। इस विचाले केंद्र की बीजेपी सरकार से भी हमले बोले जा रहे हैं। ईडी की कस्टडी तो अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश आया है। दस के अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्रालय नू आदेश जारी किए ने, हुक्म जारी किए ने, मंत्री नू लिखती नोट दे राही आदेश जारी किए गए ने। इस विचाले मंत्री आतिशी जो कैबिनेट मंत्री ने 10 बजे उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, आदेश नू लेके इस बाबत जानकारी उन्होंने वालों दी जाएगी। इस विचाले आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वालों आज साफ कर दिया गया आगुआ के वालों की अरविंद केजरीवाल जेल तो ही दिल्ली की सरकार बन गए। देश की सियासत चा पहली बार होया कि सिटिंग सीएम नू गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विरोधियों के वालों मांग की जा रही कि नैतिकता के आधार से अरविंद केजरीवाल नू अस्तीफा देना चाहिए है, रिजाइन देना चाहिए है, पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है, आगुआ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी ने, दोषी साबित नहीं हुए। सीएम भगवंत मान के वालों जो कल सवाल पूछा गया सीगा साडे रिपोर्टर के वालों, तो उन्होंने वालों जवाब दिता गया सीगा कि अरविंद केजरीवाल से आरोप लगे ने, दोषी हले साबित नहीं हुए ने। हालांकि उन्होंने वालों स्पष्ट कर दिया गया सीगा कि अरविंद केजरीवाल जेल तो ही सरकार चलाएंगे, तो पहला आदेश अरविंद केजरीवाल के वालों जारी कर दिया गया है। मंत्री नू लिखती नोट दे राही आदेश दिते गए ने, ऑर्डर्स दिते गए ने, ते इस पूरे मसले लेके जो कैबिनेट मंत्री आतिशी ने उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी। दिल्ली हाई कोर्ट तो केजरीवाल नू अजे राहत नहीं मिली है। दस के हाई कोर्ट दे वलो फौरी सुनवाई तो इनकार कर दिया गया है। केजरीवाल दी पटीशन ते 27 मार्च नू अगली सुनवाई होएगी। केजरीवाल ने दस दे के गिरफ्तारी तो रिमांड खिलाफ पटीशन दाखिल की सी। इसे विचाले केजरीवाल ने हाई कोर्ट तो आज ही सुनवाई की मांग की सी, पर फौरी राहत उन्होंने नहीं मिली। पटीशन च केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी ते ईडी दे रिमांड नू गलत दस्या। केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी मामले च 28 मार्च तक ईडी दी रिमांड ते हाई कोर्ट दा रुख किया गया सीगा। हालांकि जो फौरी सुनवाई तो राहत नहीं मिली। केजरीवाल दी पटीशन ते 27 मार्च नू अगली सुनवाई की जाएगी। हालांकि जो ईडी दे वलो राउज एवेन्यू कोर्ट पेश करके 6 दिन का रिमांड हासिल किया गया सीगा, ते 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल दी ईडी दी रिमांड। न्यूज 18 ते सीएम भगवंत मान दे वालों एक बड़ा बयान दिता गया है। इस विचाले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ते सीएम भगवंत मान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे। हाले केजरीवाल मुलजम ने, दोषी नहीं ने,
दिल्ली च जेल तो ही सरकार चलेगी, ईडी का इल्जाम है पर कोर्ट साबित ता करो। सिसोदिया के घर तो एक रुपया तक नहीं मिला, सूरत चढ़ेगा सच्चाई की जित होगी। ईडी का मतलब है बीजेपी आप चेहरिया की सियासत नहीं करती, लोकसभा चुनाव आप बड़ी शक्ति बन के सामने आवेगी, पंजाब असी सारिया 13 सीटा जितांगे। करोड़ों लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। ये गलत फहमी में है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लो तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। तो सोच को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो आप? आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है, 23 मार्च 1931 को आज उनकी शहीदी हुई थी, उन्होंने फांसी के रस्से चूम लिया था। और उन्होंने क्या कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने, कि मेरी मौत पर मत रोना, मेरी सोच को बचाना। सोच को बचा रहे हैं, सोच बचेगी, सोच है, सोच करोड़ों लोगों के मन में है। केजरीवाल की सोच जो है वो घर कर चुकी है। तो पार्टी है, पार्टी 2 सीटों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा में है, 1 हमारा लोकसभा में है, 5 हमारे गुजरात में एमएलए, 2 हमारे गोवा में एमएलए हैं, 1 संगरौली में मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी में दिल्ली में हम हैं। तो ये ऐसे खत्म होने वाली पार्टी थोड़ी है कि ऐसे कोई जाला थोड़ी है कि उतार दोगे, जाला लगाया उतार दोगे। तो यही तो पार्टी है जो बीजेपी के लिए खतरा बन रही है, इसीलिए तो फिर गिरफ्तार कर। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जेल में है तो सरकार कैसे चलेगी? चलेगी, जेल से चलेगी। ये देश में कोई कानून नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली करेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। अभी वो दोषी साबित हो रही हुई है, आरोपी है। कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि एक सिटिंग सीएम को आप आरोपी के तौर पे ले जाओ और उसको इस्तीफा दे? जेल से चलेगी सरकार, चल सकती है जेल से? बताऊं कैसे? कैसे? सुब्रतो सारा पकड़े गए थे, 20,000 करोड़ का चिटफंड का घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो, आपको छोड़ देंगे। उसने कहा जी मैं पैसे कैसे वापस, मैं तो जेल में हूँ, मुझे साइन करने होंगे कागजों पर पैसे वापस करने के लिए। उसका जेल में ऑफिस बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जो कैबिनेट है वो सारी जेल में जाएगी, वो कैबिनेट में फैसले लेंगे। हम जाएंगे हाई कोर्ट, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मुख्यमंत्री को एक आरोपी को आरोपी बना रखा है, सरकार चलाने दो। तो दिल्ली की सरकार जो है कैबिनेट भी होगी। इससे पहले भी तो अरविंद केजरीवाल एक बार मुख्यमंत्री थे तो रेलवे भवन के पास वो अनशन पर बैठ गए थे, वो फाइलें वहां से साइन होती थी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, सबसे पहले ईडी आती है उसके बाद फिर बॉन्ड खरीदते हैं, सीबीआई आती है उसके 4 दिन बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं चंदे के रूप में बीजेपी को देने के लिए। तो ये तो हथियार के तौर पे, औजार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आरोप लगाने से क्या होता है? और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया जी, 1 साल हो गया उनको जेल में रखे हुए, 1 रुपया भी मिला उनके घर से, उनके लॉकर से, उनके खाते से, उनके पैतृक गांव में भी चले गए, संदूक पेटियां फरोल दी, 1 रुपया नहीं मिला। क्या साबित करेंगे ये? ईडी कह रही है कि उनके पास चैट है, चैट में मनी ट्रेल का उन्होंने जिक्र किया। ईडी कह रही है ना, कोर्ट में साबित करे ना। अब कोई बंदा कह रहा है, एक शरद रेड्डी नाम का बंदा है, वो 20 बयानों में कह रहा है मैं जानता नहीं हूं, मेरी कोई केजरीवाल से जान, उसको पकड़ लिया जाता है। 21 बयान में कहता है हाँ जी मैं मिला था, मुझे ये कहा था कि ये कर दो वो कर, वही जेल जाने के बाद 10 दिन के बाद 55 करोड़ का बॉन्ड दे रहा है बीजेपी को। तो मुझे ये बताइए ये क्या है फिर? ये चंदा है? अगर कोई अच्छा काम करे तो धंधा है, अगर इनको पैसा मिले तो चंदा है? ये कहां की डेमोक्रेसी है? अरविंद केजरीवाल केस से कमेंट करने वाले जर्मन डिप्लोमैट्स नु तलब किया गया। दस के भारत ने दिल्ली जर्मन डिप्लोमैट्स नु तलब करके जवाब मांगा है। जर्मनी दे विदेश मंत्रालय दे बयान ते भारत ने सख्त एतराज जताया है। इस विचाले जर्मनी दे विदेश मंत्रालय ने कहा सीगा कि जदों तक दोष साबित ना होवे निर्दोष मन्या जाए।
इस विचारे केजरीवाल निरपक्ष से सही ट्रायल मिलना चाहिए है। जर्मन भारत के अंदरूनी मामले च दखलअंदाजी ना करे आप भारत का कहना है। इस विचारे भारत ने कहा है कि केजरीवाल मामले च कानून के तहत ही कार्रवाई होगी।